नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, RRBLP जो वैकेंसी है उसमें कौन से, अभी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो कौन से जोन टॉप प्रायोरिटी रखता है कट ऑफ के लिए, कौन सा जो जोन है उसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकता है और कौन से जो जोन है उसमें मीडियम का कट ऑफ जा सकता है, उसी चीज़ बढ़ा दीजिए। तो टेस्ट बुक का ऑफर एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, जो कि आपको 699 यानी कि 700 रुपया लग रहा था, उसको 307 रुपया में एक साल के लिए अनलिमिटेड पास दिया गया है, यानी कि 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है आपको। ER मनीष कूपन कोड जो यूज है वो करते हैं तो कल से ये वाला जो चीज़ें है वो 499 हो जाएगा। तो जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये पैसा भी रिफंड कर दिया जाएगा, 307 जो लग रहा है। कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, तमाम एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। चीज पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग ने फॉर्म जब भरा होगा तो तकरीबन एक RTI का रिप्लाई भी आया है कि तकरीबन 1,70,000 समथिंग मुंबई में फॉर्म डाले गए हैं। तो उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जोन में वैसा ही 1,00,000, कोई में 1,25,00,000, कोई में 50,000, कोई में 70,000, इस तरीके से फॉर्म डाले गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे सोच रहे हैं कि जहां पे फॉर्म ज्यादा डाला गया है कट ऑफ वहाँ पे ज़्यादा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पिछला का जो आपने ट्रेंड देखा होगा कि कट ऑफ जो है वो जोन वाइज थोड़ा सा डिपेंड करता है, ना कि वैकेंसी वाइज। वैकेंसी कम है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा या कम चला जाएगा। कुछ ऐसे जोन है जो कि डिस्टेंस मैटर करता है, वहाँ पे नेटिव जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं पढ़ने वाले उतना हैं कि या नहीं है, पढ़ने वाले इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है। जैसे साउथ में आप देखेंगे कि जितने भी साउथ के जो जोन हैं वहाँ पे बिहार, UP, यही सब, राजस्थान, MP, यही सब के बच्चे वहाँ पे जाके भी जॉब कर रहे हैं। तो इंटरेस्टेड बेस जो जॉब है वो कहाँ पे ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे टॉप 5 जो जोन है उसको सिलेक्ट किया है कि इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे और टॉप बॉटम 5 जो जोन है जहाँ पे कट ऑफ कम जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेंगे ये जो आपकी टोटल वैकेंसी है, यहाँ पे देखिएगा, ये अहमदाबाद में WR में आता है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, 238, एक सर्विसमैन की 24 है, ये आप देख सकते हैं कम्युनिटी वाइज है। उसी तरीके से अजमेर है, बेंगलोर है, सभी जोन यहाँ पे, भोपाल में तो 2 जोन आते हैं, WCR और WR, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 219 प्लस 65 है। तो इस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया होगा कि बनाए थे कि कितना फॉर्म डाले गए हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से सबसे टॉप में रहेंगे। तो एक नंबर पर मैं पटना और मुजफ्फरपुर दोनों को रखा हूँ। यहाँ पे वैकेंसी 38-38 है, यानी कि 8-16 यानी कि 76 वैकेंसी टोटल है और यहाँ पे मैं टॉप में रखा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे उससे कट ऑफ जा सकता है कम, रांची का, जहाँ पे की वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी है, 153 है। और उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पे है, ये टॉप में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो थर्ड पे कौन है, ये है, यहाँ पे थर्ड पे है, ये गोरखपुर। आप कहेंगे कि यहाँ पे और आपने घेर रखा है, वो बॉटम वाला को मैंने घेर रखा है, जो टॉप वाला है उसको नहीं मैंने घेरा है। जैसे ये टॉप पे है, थर्ड नंबर पे, इससे ऊपर जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पे अजमेर का कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। और पांचवें नंबर की हम बात करें तो पांचवें नंबर पर जो कट ऑफ जाएगा वो आपके प्रयागराज का। तो ये टॉप 5 जोन है, या आप कह सकते हैं डेंजर जोन है, जहां पे LP का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जा सकता है। और सबसे बॉटम की बात कर लेते हैं तो ये एक नंबर पे तिरुवनंतपुरम, यहां पे कट ऑफ सबसे नीचे जाने की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे उससे ज्यादा कट ऑफ किसका जाएगा, यानी कि ज्यादा इन द सेंस कि अगर यहां पे 64 गया है, तिरुवनंतपुरम में 64 गया है, तो यहां पे आपके 65 जाएगा, कहां पे, आपके दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद उससे थोड़ा सा ऊपर कट ऑफ किसका जाएगा, थर्ड नंबर पे मैं बात कर लेता हूं, यहां पे अहमदाबाद, अहमदाबाद में थर्ड नंबर पे आपके कट ऑफ जाएंगे। अगर फोर्थ नंबर की हम बात कर लेते हैं तो फोर्थ नंबर पे मालदा का कट ऑफ इससे भी ऊपर जाएगा। और अगर फिफ्थ नंबर की हम बात कर लेते हैं तो फिफ्थ नंबर पे यहां पे आप देखेंगे कि भुवनेश्वर। तो ये जो 5 जोन है जो कि बॉटम 5 है और टॉप 5 जो मैंने बताया ही शुरुआत में, तो ये आप अगर इसमें भरे हैं
तो आप समझ सकते हैं कि आपका कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द होगा। बीच वाले जितने भी जोन है वो एवरेज सबका लगभग बराबर जाएगा। आप लोग कहेंगे कि बिलासपुर या मुंबई से ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं तो यहाँ पे कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है क्या? तो नहीं, देखिए चूंकि फॉर्म ज्यादा डाले गए हैं, वैकेंसी ज्यादा है, तो कट ऑफ उसी के रेशियो में न्यूट्रलाइज कर लेता है। आशा करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे। मन में कोई क्वेरी है, डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।